पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट आपका दोस्त जिशान खान एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, चार जानवर छत से क्रेन से उतरे हैं और जिन्होंने उतारे और जिन्होंने पाले वो हमारे ये साकिब भाई, उन जानवरों के मालिक मौजूद है। कुछ सवाल करते हैं क्रेन से उतारने के हवाले से साकिब भाई से। सबने पहले साकिब भाई ये बताएं कि जानवर आपने कब से कब से रखे? सरकार ये जानवर तकरीबन एक साल से मैंने अपने पास रखे हैं। सही है, ये जो सबसे पहले जो आपको जानवर नज़र आ रहा होगा जी जी जी, ये जानवर मैं लेके आया हूँ तकरीबन एक महीने पहले। सही है। अब वो बारिशों का इशू चल रहा था, आप पोजीशन देख लो, ये आपके सामने कैसी पोजीशन। हाँ, वो मैंने वीडियोज़ में भी अपनी दिखाया है कि पूरा गंद हुआ है, पानी गटर से। बेहतर ये था कि मैं थोड़ा सा अल्लाह का नाम लेके इसको ऊपर चढ़ा दूंगा। मुझे ये पता है कि वहाँ ये फिर भी सेव हो जाएगा, यहाँ पर बेकार हो जाएगा अगर मैं इसको बांधता हूँ। तो फिर ये है कि वहाँ पर मैंने इसको रखा एक महीने, वहाँ पर इसकी पलाई करी है, वहाँ से इसको उतारा। ये तीन बच्चे आप जो देख रहे हैं ये तो पूरे साल मैंने अपने पास रखे हैं। सही सही। बच्चे मैंने तीनों पलाई करे इस साल अपने पास। अगर आपने सबसे पहली जो वीडियो आपने बनाई थी इन तीनों बच्चों की वीडियो थी, उस टाइम वो मौजूद तो था नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वीडियो बनाने के रिस्पॉन्स से तकरीबन कोई दो दिन तक या तीन दिन तक तो मैं कॉन्टेक्ट में सबसे रहा। चौथे दिन या मेरा ख्याल तीसरे दिन तीनों बच्चों का तीनों बच्चे ये बिक गए थे। महाराज, वो बच्चा मैं एक महीने पहले लेके आया हूँ। सही। तो जाहिर है वो बच्चा मैंने ऊपर चढ़ाया था, बस उस बच्चे को मुझे सेल करना है। बाकी जो भी मेरी डिमांड है वो फोन पे, जाहिर है फ़ोन नंबर अगर आप डाल लोगे उसमें बता दूंगा। जो भी सेटिंग बता दो, अपना फ़ोन नंबर बता दो। फ़ोन नंबर है मेरा सरकार 03463264585। ठीक है, साकिब भाई इनका नाम है। ये वाला जो बछड़ा है आपको दिख रहा होगा, 44 कानी जो है सबसे लास्ट में जो उतरा है वो फोर्थ सेल है इनका। बाकी ये सारे सेल हो गए थे जब वीडियो हमने डाली थी। अच्छा, तीनों चारों बच्चे ये माशाल्लाह, ये भी दो दो दांत पर बच्चे थे जो आपके रेफरेंस से आपके तामून जो सेम हुए मेरे तीन चार दिन के अंदर ही ना। बाकी वो बच्चा भी मेरा दो दांत ही है, तीसरा दांत नहीं निकला उसका। अच्छा, माशाल्लाह दो दांत पर खड़ा हुआ है बच्चा अपना सेम, उसको मुझे सेल करना है। बाकी ये तीनों का माशाल्लाह सेल हुआ। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके अंदर साकिब भाई का कोई भी जानवर कुर्बानी का नहीं है। ये हमने पहले इन्होंने तीन जानवर छत पर रखे थे जिनकी हमने वीडियो शूट करी थी, वो तीनों जानवर माशाल्लाह से इनके सेल हो गए। एक जानवर ये लेके आए थे, यहाँ पे सीवरेज का पानी आए दिन बहता रहता, तो उन्होंने सीढ़ियों से उसको ऊपर चढ़ा दिया था, वो जानवर भी इनका सेल का है। अब यहाँ आके तो ये बात ख़त्म हो जाती है कि इन्होंने छत पे पाले और छत पे ही कुर्बानी कर दें, छत पे ही, तो फिर ये तो सेल कहते हैं इनके, तो ये तो वाजिब हो जाता है इनको क्रेन से उतारना और नीचे सेल करना। पर साकिब भाई, जैसा कि हमारे देखने वाले हैं और व्यूवर्स हैं, आपको पता है ये रिस्क होता है टोटल। खुदा ना खास्ता बैल टूट जाए, जानवर मचल जाए, बितक जाए, नीचे गिर जाए, टांग टूट जाए, मालिक की पूरी रकम जो है ना ख़त्म हो जाती है। और इतनी मेहनत, इतनी मोहब्बत से पाला है, दिल भी दुखता है, इंसान अपनी औलाद की तरह जानवरों को पालता है। अब जैसे बिजली के तार भी जा रहे हैं, इनसे भी खतरा हो सकता है, तो ये इतना बड़ा रिस्क लेना जानवर को। अब आपके वसाइल नहीं है, मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंशाल्लाह हम कोई ऐसा प्रॉपर केज बनाए जिसके अंदर पूरा जानवर आ जाए, उसको हम डाल दें, जानवर को भी तकलीफ़ ना हो और पूरा वो निज़ाम हो, आराम से सुकून से आ जाए। सरकार, बात ये है कि इस साल तो मेरी आपने पोजीशन देख ली, मजबूरी ऐसी थी, मुझे तो उतारना ही था इनको। हाँ सही है, का मामला अलग चल रहा है, अलग चल रहा है, सही बात, मुझे उतारना ही था। लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरी ये कोशिश है अगले साल पूरा अपन फ्रेम बनाएंगे इसका, फ्रेम के अंदर बछड़े को खड़ा करेंगे, एक एक बछड़े को उससे उतारेंगे और इंशाल्लाह तरीके से वो उतर जाएंगे। अभी बस उतारना मजबूरी थी, उतारना ज़रूरी था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसमें। बस कराची में जो जानवर लोग छतों पर पालते हैं उनको मैसेज दें, छत पे जानवर पालें, बिल्कुल पालें, या तो छत पे ही कुर्बान करें, अगर छत पे कुर्बान नहीं कर सकते तो एक केज बनाएं। केज बनाएं तो पूरी दुनिया ये मैच वीडियोस देखती है, पूरी दुनिया वो पहले ही बोलते हैं पाकिस्तानी जालिम है और ये जानवरों पे भी जुल्म करते हैं। हालांकि तो अच्छा, मैंने तो खुद अपना ऑर्डर पर केज बनवाने का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन जिस क्रेन वाले से मेरी बात हुई थी उनसे मैंने केज वाली क्रेन की ही बात की थी, लेकिन इतफाक ऐसा हुआ कि उनकी क्रेन वगैरह का कोई इशू आ गया, तो उन्होंने बोला भाई अभी फ़िलहाल तो ये क्रेन आ सकती है तो आप इसमें काम चला लो, तो मैंने फ़िलहाल ये बुला ली। लेकिन अगर मैं बुलाता भी, जो क्रेन मैंने बुलाई थी वो भी केज वाली बुलाई थी। तो इंसान जो भी शौक़ अपना पूरे 12 महीने छत पर अगर करता है, इतनी मोहब्बत से किसी भी जानवर को या किसी भी चीज़ को पालता है, तो वो अगर उसको एहतियात से उतार लेगा तो वो अच्छा है। क्योंकि ये सब तार आप देख लो सामने, ये तार सामने, ये एसी के इलेक्ट्रिक के तार हैं, ये सामने इतना टच हो गया, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई बात हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, या अल्लाह ना करे कोई गलती हो जाए जिसकी वजह से मतलब जानवर को नुकसान हो जाए, तो उसमें फिर इंसान जो है ना वो फिर अपनी ज़ाती बेवकूफ़ी होगी, उसकी और कुछ भी नहीं। तो केज बनवाना ज़रूरी है, केज अगर बंदा बनवा लेता तो अच्छा हो जाएगा काम उसके लिए ना।
चलें। तो ये था दोस्तों साकिब भाई का मैसेज छत के ऊपर पालने वालों के लिए, और वैसे तो खुद भी छत के ऊपर ही पाला है इन्होंने, लेकिन इस बार मजबूरी थी, अगले साल इन्होंने वादा किया इंशाल्लाह केज के थ्रू जो उतारेंगे और हम आपको अनलोडिंग इनकी दिखाएंगे तमाम तर जानवरों की जो भी ये पालेंगे। और बाकी ये वाला जानवर जो है चौलीस खानी जो सबसे लास्ट में उतरा है, ये फोर सेल का है, अगर किसी को चाहिए हो तो इनसे रब्ता कर सकता है। जो मैंने इनको आपको जानवर दिखाया उन सबसे भारी यही वाला है, ऐसे ही साकिब भाई। चलें भाई, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों एक और अनलोडिंग बजरिया क्रेन जो है वो आपको दिखाने के लिए आज हम आए नॉर्थ कराची में, और ये इनकी बेल्ट वगैरह जो है तैयार हो रही है, और क्रेन देखें नीचे खड़ी हुई है, और मनाज़िर देखें नीचे के आप, बाकी थोड़ी जगह कंजेस्टेड है दोस्तों यहाँ की, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि फ्रेम जो अगर आउट हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा। बछड़े को लाया जा रहा है यहाँ पर, बछड़ा आ जाता हूँ फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को। देखें ये आ गया, ये लिया है पहला बछड़ा साकिब भाई, और ये मैं आपको बता दूं नॉर्थ कराची में जो है ये अनलोडिंग हो रही है, नॉर्थ कराची अरसलान होम्स के नाम से जो है वो एक सोसाइटी बनी हुई है, कंपाउंड बना हुआ है, यहाँ पर जो है अनलोडिंग हो रही है इनकी। पहले वीडियो डाली थी मैंने, तो वीडियो डालने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे जो है सेल हो गए थे, तीन बछड़े थे इनके पास वो सेल हो गए थे। कोई खूंटा वगैरह नहीं है यहाँ पर बांधने के लिए, इसका खूंटा वगैरह नहीं है कोई बांधने के लिए यहाँ पर कहीं पर। टोटल 204 बछड़े जो है अनलोड होंगे आज यहाँ से, फिलहाल ये पहला बछड़ा है। पट्टों की हालत देख लें आप कैसी हुई है दोस्तों। बाकी नीचे से जो कवरेज करेंगे वो निशान भाई कह रहे हैं नीचे से। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है आज, टाइम जो है वो 5:15 हो रहा है, लेकिन जो है वो गर्मी की शिद्दत अभी तक कम नहीं हुई है, आज हफ्ते का दिन है आज। उठा रहे हैं दोस्तों, अब थोड़ा बहुत टाइट करवाया जानवर को, और ये पेट दबा उसका, थोड़ी सी सब ये बेल्ट नीचे करना दोस्त,
हाँ ये चीज मुंह पे कपड़ा बांध दिया दोस्तों। यार इसका कल्ला नहीं बांधा आपने, चले भाई रस्सी बांधनी चाहिए थी वैसे मुंह की, इसकी बांधी नहीं है इन्होंने। अल्लाह मालिक है, उतर रहा है जानवर। वायर भी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक के। नीचे जा रहा है दोस्तों अभी, है जहाँ तक मुझसे हुआ मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। और ये देखें दोस्तों बड़ा आसानी के साथ माशाल्लाह से नीचे आ गया जानवर दोस्तों। अभी देखते हैं ये है कि ये जानवर शरारत ना करे उतरने के बाद, और घबराहट की वजह से मोशन भी करना शुरू कर दिया जानवर ने। और उसकी पोजीशन देखें आप, मैं आपको दिखा दूं। तो ये देखें बड़ी टेक्निक से इन्होंने बांधा था, जानवर बैठा तो खुद ही खुल गया। चलें दोस्तों एक और जानवर आ चुका है, और इनके मालिक का एंड में इंटरव्यू भी लेंगे साकिब भाई का, और इंटरव्यू जो होगा वो मैं पहले चला दूंगा वीडियो के। ये थोड़ा मचल रहा है, देखें बिदक रहा है थोड़ा बिछड़ा। पब्लिक का शोर देखें, बेल्ट बांधी जा रही है दोस्तों। पब्लिक का रश देखें दोस्तों।
बच्चे ही बच्चे, आवाम ही आवाम नीचे। टाइट करवा रहे हैं दोस्तों इसको ऊपर। पिछले साल जगह भाई इतना ही ऊंचा हो, इतना बड़ा घर सपोर्टें मानी जा रही है दोस्तों। बस दुआ कीजिएगा साथ खैरियत से जाइए, अनलोड हो जाए। कल्ला दोस्तों इसलिए बांधते हैं, या अल्लाह रहम, अल्लाह पाक रहम करे, साथ खैरियत से जाए वो, इसको अनलोड करवा दे। सूरज बिल्कुल सामने ही पड़ रहा है मोबाइल के दोस्तों, तो हो सकता है जो आपको थोड़ी बहुत जो है वो क्लियर ना है वीडियो। ये देखें करके बांधे नहीं है मेरे ख्याल में, तारों से इसको बचाया जा रहा है। ओए होए, ओए होए, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम, या अल्लाह साथ खैरियत के उतार दे। और बच्चे देखें शोर कर रहे हैं, शोर की आवाज़ें आ रही होंगी, जानवर आ गया साथ खैरियत के नीचे, और वो नीचे वाला जो जानवर है वो बदक गया है। ये देखें मालिक ने पहले इसको चैन डाली है, इसे कुंडे में चैन डाल दी गई है, फिर इसको खोला जाएगा। ये देखें ओए होए उछल गया था। अच्छा ये बड़ी टेक्निक से कैन वाले बैड्स बांध रहे हैं, ये जानवर नीचे आता है खुद ही ऑटोमेटिकली जो है बैड्स इसके खुल जाते हैं। चलें भाई रॉकेट बछड़े को लेके आया गया है, अब ये सबसे रॉकेट है दादा। और ये काबू में नहीं आता है बछड़ा जो है ये, बस 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 ये है रॉकेट बछड़ा दोस्तों। जगह थोड़ी बहुत कंजेस्टेड है दोस्तों, यहाँ पर जगह नहीं है इतनी, नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं जो है ऊपर सीढ़ियों के ऊपर स्टेट्स के ऊपर चढ़ के जो है वो वीडियो कवर कर रहा हूँ। ये वाली बैंड उधर जाने दे, ये पकड़ो नीचे से, घुमा के दो,
थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं क्रेन वाले इसको। अच्छा, इसका कुंडे का साइज़ देख लें दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डाल के दिखाई थी, उसके कुंडे का साइज़ देखा था, छोटा था उसके कुंडे का साइज़ थोड़ा। अभी हो चुका है बिल्कुल टाइट, अब ये हिलेगा नहीं। बाकी सिर्फ गलती जो है यहाँ पर ये हो रही है कि क्रेन की बेल्ट के साथ जो है इनकी गर्दन नहीं बांध रहे लोग, जो कि बांधनी चाहिए। थोड़ी नीचे लेके जाओ इसको, सपोर्ट दोस्तों नीचे होनी चाहिए थी बेल्ट जो है, लेकिन भाई कह रहे हैं कि नहीं सही है। आप फैसला करें क्या सही है क्या गलत। लिफ्ट किया जा रहा है अब इसको। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसका मुंह दोस्तों बांधना चाहिए था, मुंह नहीं बांधता इन्होंने, इसका गलत किया है। देखें दोस्तों, प्रॉपर करते हुए तारों से बचाते हुए और ये नीचे अनलोड होते हुए ये देखें झूला झूल रहा है जानवर क्रेन से बैट्स पे। अब ये जैसी देखें इनकी टेक्निक नीचे करेंगे और ये ऑटोमेटिकली इनके बैट्स घुल जाएंगे। क्रेन वाले बड़े एक्सपर्ट लग रहे हैं। ये जानवर ये खड़ा हो गया अपने पैरों पे, ये देखें फौरन इनके जानवर के बैट खुल जाते हैं। माशाल्लाह बछड़ा भी बहुत अच्छा है, जो बात है बड़ा गोल मटोल है, बड़ा खूबसूरत है। ओहो हो 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 हो, ये थोड़ा भिदक गया दोस्तों नीचे। ओहो हो, चले भाई एक और आ चुका है, आखिरी चौथा और आखिरी बछड़ा। पकड़ो यार।
पीछे वाला बैल उधर भी का भी बैल पड़ा है, वो वाला बैल उठा के उनको तो वाजिद भाई सही सगला मजिया बैल उसको। हां थोड़ी रस्सी बेच रहा हूं। थैंक यू भाई। मजमा देख लें दोस्तों, यहां पर पूरा मजमा है, हालांकि यहां पर गटर भरा हुआ है और पब्लिक काफी है। बट्टा उठा, बट्टा कहां है? काफी भारी है दोस्तों, ये सबसे भारी है बछड़ा। अजान हो रही है दोस्तों, तो फिलहाल मैं जो है कुछ बोलूंगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चले हटो बेटा, सामने से हटो बेटा, सामने से हटो। ये देख लें दोस्तों, सारे के सारे बछड़े जो है उतर चुके हैं, लोड हो चुके हैं। बाकी थोड़ा रेस्ट चढ़ जाए तो ओनर से बात भी करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।